गुड मॉर्निंग हुई है राजा के साथ। राजा देख रहा अपने ब्लॉग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। ये कहाँ से सीख ले नाना? गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग कर रहा है राजा बेटा। आप कितने सॉरी हैप्पी बर्थडे आए बोलो। थैंक यू। बोलो कोशिश करो। खुद को देखता है देखिए खुद को क्या कितना स्मार्ट। अब नहीं डर रहा है, इसका डर खत्म कर रहा है। तो ऐसे बच्चों का डर खत्म करते हैं जैसे कल रात हमने करा था, अदरवाइज इससे ये बहुत डर रहा था। ये उसको सिखाना पड़ेगा। क्या नाम है सर? आज की गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी है। आई मीन बाबू को सुबह उठते पता नहीं क्यों मेरे पे इतना प्यार आ रहा है। सुबह के बज चुके हैं 3:30। ये सुबह ही हमारी नहीं, मैं जब उठी थी मैंने शॉर्ट ले लिया था, तो मैं ये दिखाने के लिए पहले उठी। अरे वाह, देख लो शो ऑफ करती है। ये हार्ड वर्क नहीं कर। मामी को इसलिए प्यार आ रहा है क्योंकि मामी ने आपके लिए बुक की। और एक चीज, सलून जाना है इसको, ऐसे पैसे चाहिएंगे अब, तो इसलिए मेरे को प्यार आ रहा है। आज इनको सलून जाना है मम्मा को और इनको, इसलिए इनको पैसे दिए बोल जाओ। तो मैं वैसे भी ले लूंगी बिना प्यार के। अच्छा तो आपको अच्छा ना लगेगा प्यार करके मांगे? नहीं वो तो आप भी तो आओगे सलून, बाद में मैं आ जाऊंगी। पेमेंट तो आप ही कर। नहीं मैं भी सोच रहा, बहुत देर से मुझे बोल रही है कि बाबू आप भी आ जाना शाम को, तो फिर अब हम थोड़ा सा लिपा पोती करेंगे अपने वहाँ पे जाके, को अच्छा दिखना है ना। स्पा कराएंगे क्योंकि अच्छा दिखना है, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत डैमेज हो गए, खुशी के भी लद्दाख जाके बहुत गंदे से हो गए। तो अभी हम लोग निकलते हैं, सीट वेट कर रहा है, लेकिन कुछ भूख भी लगी थी मुझे, तो हम छोटा सा कुछ खा के निकलेंगे मोटी। ये ऐसी माँ सबको दे भगवान, कितना बदल गया इंसान। बस हमारे पास 2 दिन बचे हैं और काम इतने सारे हैं। विवेक कहाँ चले गए हैं, हम तैयार हो रहे थे, पता नहीं है, वो भी कुछ काम करने गए होंगे। मैं और छोटी माँ जा रही हैं सैलून, और जो बंदा कल सैलून से आया था उसके हालत आप देख सकते हो। माँ कर रही है झाड़ फूक मतलब कि इधर उधर दीवारें झाड़ रही हैं क्योंकि गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे कल। सो पूरा मजा आने वाला। अभी मुझे लस्सी पीने की एकदम क्रेविंग हो गई थी चलते चलते, तो मैं एक बार लस्सी बना के पी लूं, उसके बाद हम लोग निकलते ही हैं। काम में इतना बिजी हो रखे हैं हम लोग कि राजा को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। राजा बोलो पापा। टाटा। ठीक है टाटा। बाबू आप खेल रही हो? ठीक है मैं काम करके आ रहा हूँ। तो अभी बीन बैग जो है वो फाइनल हो चुके हैं, एंड ये वाला भी कलर सही लग रहा है। एक सेकंड दिखाना बीन्स कैसी होती है। वाह भाई बोल रही मैंने पूरी, बस सारा पता नहीं लग रहा, देख के हाथ लगा के पता नहीं लग रहा कि इस बैग के अंदर भी कुछ है, ट्रस्ट में। तो 2 बैग जाएंगे इस बीन बैग के अंदर, एक रेड है एंड बाकी के 2 जो हैं वो येलो हैं कंट्रास्ट के लिए। मस्त लग रहे हैं लेकिन देखने वो। तो अभी आप देख सकते हैं ये मजा लिया जा रहा है पूरा। फील भी बड़ा सही है इसका। तो ये कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया है फील बड़ा सही है इसका। तो उसको आप होम टूर में दिखाने वाले थे लेकिन ये चीटिंग कर दिया। कर दूंगा मैं, ब्लर कर दूंगा। तो फिलहाल हमने बीन बैग ले लिए 3 एंड कैपेसिटी, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ा सा वॉशिंग के लिए गई है, तो यहाँ पे बीन बैग रखे कुछ ऐसी, बस यही जगह बच रही है मेरी ड्राइव करने की। अरे भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। कैसा लग रहा है तुझे? मैं भी तो बीन बैग उनके साथ चाय लिया था आपने। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे मन था कि मुझे घर में जाना पड़े एंड इसी हम बहुत सारी शॉपिंग करके घर गए, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे मुझे बीन बैग रखे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ लेकर इधर बोल नहीं पा रहे। तो खुशी यहाँ पे थोड़ा सा काम कराने आई थी और उसके लिए 15 फोन आ चुके हैं मेरे पास, गुस्सा करेगी। अब कहाँ है, करा रही है काम, आ जाओ बस। फॉर सो लॉन्ग आई बीन ट्राइंग टू गेट। तो अभी मुझे खुशी मिली नहीं है, वो वहाँ पे अंदर है कुछ करा रही है एंड ट्रस्ट मी जैसे वो बाहर आई जैसे इतनी देर तक कर गया। जितना भी स्टाफ सब ये बात बोल रहा है कि प्लीज जब से आई है जब से बोल रहे हैं कि भैया आने वाले हैं, भैया आने वाले हैं, हमने लेट कर दिया और वो पीछे हो जाए। I love you. कपड़े लगे ना
अभी तो यही तो कहना है आपने अच्छी बात तारीफ करना होता आप कितनी अच्छी हो, आपने मुझे डांटा भी नहीं एकदम। इतने प्यारे प्यारे सामान लेके हम घर छोड़ के आए ना, वो भी नेक्स्ट डंडे मंगवा लिए, डंडे डंडे मंगवा लिए। सो मैं पहली वाइफ हूँ जो खुद कुछ नहीं कराती हूँ, मैं अपने पति को लेके आई हूँ इनका फेशियल करवाने। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं यहाँ बैठ के। सो फाइनली मेरा सब कुछ हो गया है। सो अभी हमने पूरा दिन गुजार दिया हेयर फैशन रुड़की में, बहुत टाइम हो गया, भैया को परेशान भी कर दिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सारा काम निपट गया आज तो, कल हम लोग और काम कर लेंगे। मेरे को बोल रहे थे ये इतना टाइम लगाती है, और पिछले जब से मैं शॉर्ट ले रही हूँ यही काम करवा रहा है, मैं खाली इधर उधर घूम रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। मैंने कुछ नहीं करवाया, बस मैंने बाल ठीक करवाए, वो भी ड्रायर मरवाया बस। यो यो हनी सिंह जी, मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा, कब खत्म होगा? अब फीलिंग मुझे आपकी समझ आ रही है कि जब मैं कुछ करवाने जाती हूँ और आप जाके वहाँ बैठे रहते हो। थैंक गॉड आप आज समझी, और हम ना आपसे बहुत पहले से बैठे थे यहाँ पर, जब आप अंदर थे हम बार बार पूछ रहे थे कि वेटिंग एरिया और कितनी देर बैठे वेटिंग एरिया में बाबू, लेकिन कितना अच्छा लगा कि आपको फाइनली पता लग गया कि ये अलग ही स्वैग चल रहा है। सो फाइनली हमारी दुल्हन तैयार हो गई जिसको हम लेके जा रहे हैं, और ये दुल्हन के साथ लाड़ा भी तैयार करा हमने दुल्हन के साथ, तो अभी हम चलते हैं। खुशी आपकी सास आने वाली है, बेटा कपड़े पहन लो जल्दी, वो सूट सलवार आगे, वो आगे देखो देखो वो आगे। मैं तो मजाक ले रहा था उसकी, लेकिन वो सीरियसली चली गई मामी के साथ, बिल्कुल चुन हो चुकी है, यहाँ पे लीटू मामू आए थे और मामी चेंज करने चले। अभी मम्मी संगीत परफॉर्मेंस तैयार कर रही थी, उसके लिए गाना ढूंढ रहे हैं हम, मुझे पंजाबी गानों की नॉलेज है तो मुझे भी कुछ दिखता। तो गाइस चाचू दमादम 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 पहले ही जा रहे हैं रोटी, अरे कैमरा गंदा हो गया, हाँ सॉरी एंटर कट कर दे। हाँ तो चाचू दमादम रोटी खाते जाने, अरे वाह बेटे वाह बोल कर। मम्मा इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है माँ, चाचू की टोपी के इसके पीछे सर है। अच्छा अच्छा अपने इनका प्रमोशन है, नेल का प्रमोशन। सो राजा के बर्थडे की फुल तैयारियां चल रही है, यहाँ पे हम लोग छत पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी लेडीज पार्टी चल रही है, माँ अम्मा जी सारे हम लोग ऊपर बैठे हैं और यही बातचीत कर रहे हैं, और बड़ा मजा आ रहा है कि घर में अभी कोमल बाबूजी तोरे आने वाले हैं, जीजू और आ चुके हैं, कल को और गेस्ट आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके पूरा घर भर जाएगा, पूरा मजा आने वाला है। अम्मा जी मैंने ना अकेली ने कर लेना, मैं इस घर में क्या कर थकी, मेरे साथ कोई तो परफॉर्मेंस तैयार कर लो, चल रही हूं ना। अब मैं क्या करूँगी, पार्टनर चेंज कर दूंगी, जब मैं पार्टनर चेंज कर दूंगी फिर एक बंदा इस घर में मुझे बाहर में फेंक। मैं कर रहा, मैं कर रहा, चलो आपके साथ दूल्हे का सेहरा सुहाना नहीं बढ़िया। आई तुम कौन है आई तुम मिले तुम चलेगी। ईमान डोल जाएंगे क्या बोली, क्या बोला जी चीजें बेटा आपको, मारी 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 हट करे मारी मारी मारी। देखो ट्रक के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे आ गया, देखो बेटा नहीं मारा नहीं मैंने, कहा जरूर होगा ऐसे मजाक में। चलो फिर मैं आप आ जा, तो जहाँ तो यहाँ जीजा रहेगा, जहाँ यहाँ भाभी रहेगी, जमाई का बहू, इसमें से एक चूज करना पड़ेगा, जमाई के बहू मुझे ना पता। बाबू मैं चल के सामान पैक कर रहा हूँ। चल जीजा जी हम दोस्त हैं,
चल थैंक यू। किसी के पास दो रोग की दवाई हो तो भिजवा दो भाई। अपने बना दो बहुत एनर्जी है भाई डांस में, बहुत एनर्जी है। जीना लगा जीना लगा अच्छा वीके फैम ही पूछ रहा है कि ये जो दौरे पड़ रहे हैं किस चीज के पड़ रहे हैं? ये मेरे बेटे का जन्मदिन है उसकी खुशी में। अच्छा हमारा भी तो कुछ लगता ही होगा वो? नहीं, अच्छा तो मतलब आप इसी खुशी में डांस कर रही हो कि प्रिपरेशन कर रही हो कि डांस कर रही हो? वैसे अम्मा जी हमारे बीच आ चुकी हैं आज तो 2100 रुपए जीजा जी की तरफ से। अम्मा जी को पड़ जाएगा, मैं वो लो मेरी तारीफ। तेरी तारीफों में तो पुल बांध दूं। और बस तेरे बारे तो अभी अभी मैं आपको फिर अगला गाना चला देता हूँ जब तक जीजा जी थोड़ा सा हंस लें। हमारे जीजा जी हमारे बीच आ चुके हैं, सचिन बाबू हमारे बीच आ चुके हैं। सचिन बाबू की तरफ से 1100 रुपए कमेटी को। ये रेफरी कहाँ से आ गया लेकिन बीच में? मुंडे ने मामे वालों राजा ने जन्मदिन दिया बधाइयां दिंदे हुए 10 रुपए दी लांग। देख बात में इतना वजन था 10 रुपए आथू कैसी बात कर दी। वेर जे वेर 10 रुपए दी वेर मुंडे ने मामे दे नाम देख दे मेरे जीजा जी ने अम्मा कहने खुशी में 2100 और यो अपने भाई के जन्मदिन पर आया इसने 1100 रुपए। शर्म कर लो 10 10 रुपए लेके आ रही हूं यहां। कोई कौन है श्रद्धा की बात है? अभी कौन है? रेफरी क्या कर रहा है? अगली पेशकश यहाँ माँ जो है वो अंगना में पधारे। दामाद जी थोड़ा ठीक बैठ जाओ। माने माने क्या कहा बोला भी पढ़े अंगना में पधारे। मैंने कहा दामाद जी तो अकड़े पढ़े दामाद जी लागे सबको प्यारे। दामाद जी लागे सबको प्यारे। ओ मर्दानाद जी हजरतानाद जी बोले दुल्हन के तुम्हारा सरदार। मम्मी पैर ना बजा लेके तो अभी बज चुके हैं रात के 4 अर्ली मॉर्निंग 4 AM एंड ये व्लॉग जब आप देख रहे हो तो ये इसी सुबह की बात है, आई मीन आज ही का ये व्लॉग है। तो हमारे पास पंजाब से फैमिली आने लग रही है राजा के बर्थडे के लिए। कौन कौन आ रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो मामा जी, मासी जी, बवजीत, कोमल, मंदीपा जी एंड भाभी। तो 6 बंदे आ रहे हैं, वो ट्रेन से आ रहे हैं सभी लोग। तो उनकी ट्रेन है 6 बजे रुड़की पहुंचेगी, सॉरी 4 बजे रुड़की पहुंचेगी वो। तो मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ इसलिए नहीं सोया अभी तक। खुशी जो एडिटिंग कर रही है इसकी एडिटिंग जो कम्प्लीट होने वाली है। एंड हाँ मैं अपनी आई से घर देख पा रहा हूँ ऊपर वाला, लेकिन ये रूम आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। नहीं मैं अपनी ऐसी देख पा रहा हूँ लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को बैक कैमरा चला के दिखा दूँ कैसा हो रहा है। लेकिन प्लीज एक दो दिन और कंट्रोल करो, होम टूर करने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं अभी भी घर में, लेकिन कोई नहीं होम टूर कर देंगे उसके बाद वो करा लेंगे। जब वो करेंगे तभी भी होम टूर, मतलब होम टूर क्या वीडियो दे देंगे तभी, मतलब उसकी वीडियो साथ से व्लॉग में कवर करते रहेंगे उसको। दीदी थोड़ी नींद क्या भाभी नाराज होगी कि विवेक पहले तो अभी सभी लोग आ चुके हैं सोने की तैयारी कर रहे हैं कोज सभी लोग थक ही चुके हैं कोज बहुत लंबा ट्रैवल है। सबसे पहले पूरी फैमिली ने घर देखा के कोज मैंने इन्हें भी कोई वीडियो फोटो नहीं भेजी थी। कोई लोग बोलते रहते थे बबजीत कोमल की भेज दो, मैं भी कोई काम चल रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है हमें, ऐसा लगता है घर बहुत प्यारा हो गया है।
तो प्लीज फोटो भेजो। मैंने किसी को नहीं भेजी, तो आगे सबसे पहले मैंने पूरा घर देखा एंड अभी वो लोग भी सोने के लिए जा चुके हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से एडिट कर लेता हूँ एंड आप लोगों के सामने रखता हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ एंड हाँ, आने वाले 3-4 दिन बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाले हैं, तो एक भी व्लॉग मिस मत करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को छुपा रहता हूँ, कुछ मैं चाह रहा हूँ कि होम टूर में आप लोगों को दिखाऊँ, इसलिए थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय एवरीवन। But somehow I always seem to wake up in your bed.